बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड एंड बेसिस के नेक्स्ट कंसेप्ट पर मैं डॉक्टर नीता कानूनगो एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी जीसीए। आज अपन जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। लुईस ने अम्लों में क्षारों की अवधारणा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट कर सके वह क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वह अम्ल कहलाता है। NH3 एक प्रकार का क्षार है क्योंकि इसके एक अणु नाइट्रोजन परमाणु के विद्यमान एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रोटोन तथा किसी इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु को दे सकता है। HCl एक अम्ल है क्योंकि इसका प्रोटोन जल अमोनिया अणु अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉन दाता से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। और BF3 भी इसी कारण अम्ल है क्योंकि BF3 अणु में बोरोन परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। इस कारण यह NH3 के एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और इस सिद्धांत के अनुसार यह उपसंयोजक बंध बनना ही उदासीकरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर जैसे कि NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, और BF3 जो है वो लुईस एसिड। यहाँ पे ये NH3 नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को देता है। बोरोन में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 लेके 8 हो जाते हैं, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और हम इसको उदासीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन दाता है इसलिए लुईस क्षार है, और इलेक्ट्रॉन ग्राही है इसलिए ये लुईस अम्ल है, और इस रिएक्शन को बनना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना होता है। इसी तरह से अमोनिया अमीन जल अल्कोहल आदि यौगिक लुईस क्षारों के उदाहरण हैं क्योंकि ये अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, जबकि BF3 AlCl3 FeCl3 आदि यौगिक लुईस अम्लों के उदाहरण हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। इस संकल्पना के आधार पर सारणी में हमने कुछ लुईस एसिड लुईस क्षार और उदासीकरण उत्पाद दिए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई 2 लुईस अम्ल के एग्जाम्पल बताइए और कोई स्लो लुईस क्षार के एग्जाम्पल बताइए, तो हमें 2-2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद होने चाहिए कि HCl H2O H2SO3 BF3 HNO3 SNCl4 Cu+2 एंड Cu+3 ये लुईस अम्ल है, और लुईस क्षार H2NH3 CaOR2 N3N3 अमोनिया ये लुईस क्षार है। अब आता है लुईस अम्लों का वर्गीकरण। जिस पदार्थ के अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु वह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले उस परमाणु में एक रिक्त कक्ष का होना अनिवार्य है। इसके आधार पर कुछ लुईस कंसेप्ट बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरोन एल्यूमिनियम आदि के तत्वों में यौगिक के बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण नहीं होता है और इनमें पी कक्षक वेकेंट पी कक्षक उपलब्ध होता है। अतः ये लुईस क्षारों से इन कक्षकों को इलेक्ट्रॉन युग्म करके समीकरण बनाते हैं। जैसे NH3, जैसे पहले भी मैंने बताया NH3 लुईस क्षार लुईस अम्ल डोनेट करता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लुईस अम्ल की तरह करता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं अपन जिनमें कि रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो। कुछ यौगिकों के परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध है, जैसे SNCl4 का एग्जांपल लें, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। SF6 है, SeF4 है, SNCl4 है, तो ये रिक्त डी कक्षक है जिनमें कि ये अपना लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कैटाइंस। हाइड्रोजन अथवा धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायनों का निर्माण करती है। इन धनायनों के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होंगे। Ag+ NH3 गिव्स NH3 Ag NH3+, Cu+2 गिव्स 4 NH3, तो ये NH3 को दे देते हैं, तो ये कैटायंस है। इसके बाद अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, ऐसे अस्थंत होगी जिसमें भिन्न भिन्न विद्युत रिक्तता वाले परमाणु के मध्य द्विबंध हो, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। लुईस अम्ल लुईस क्षार अथवा HCO3। इसी तरह से SO2 OH गिव्स OHSO2 तथा HSO3, ये असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद आता है एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन सेक्से। वे तत्व
जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षक होता है, जैसे कि एसटीए लुईस अम्ल और SO3 लुईस क्षार, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए अष्टक बनाने की प्रवृत्ति रहती है। तो SO3 अपना एक लोन पेयर एस को देगा तो लुईस अम्ल हो गया और वो लुईस क्षार हो गया। ऐसे वर्ग के भी लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ये हुए सारे लुईस एसिड्स के क्लासिफिकेशन में। उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेसिस। जिन पदार्थ के अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के सकते हों वे लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे ऋणायन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी लुईस अम्ल को दे सकते हैं, अतः ये लुईस अम्ल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे SO3 अभी अपन ने ऊपर देखा, SO3-2 NO2-OH-X-NH, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे टाइप के हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि NH3, RNH2, R2NH, R3N, ROH, ROR, HOH, ये सब क्या है, जिनके पास की लोन पेयर है, जो ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से लुईस अम्ल और लुईस क्षारों का क्लासिफिकेशन किया गया, जिनमें जो क्वालिटी है वो लुईस अम्ल में होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंपाउंड्स विथ डी ऑर्बिटल, वीकेंड डी ऑर्बिटल, तीसरा कैटायंस, और चौथा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और पांचवा एलिमेंट्स विथ इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट। इसी तरह से लुईस बेसिस में है एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर भी जो कोई भी सिद्धांत आता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। इस सिद्धांत में भी ये कमियां हैं कि हाँ BF3 अम्ल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये अन्य अम्ल विचारों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें का स्पष्टीकरण आधार नहीं मिल सकता। पहला, इस सिद्धांत के अनुसार HCl H2SO4 और HNO3 आदि के तो प्रोटोन तो अम्ल हैं लेकिन इसके अणु नहीं, इसका मूल रूप ये सब अम्ल ही हैं। इस अवधारणा के आधार पर अम्लों व क्षारों की कई अभिक्रियाएं जैसे एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की व्याख्या संभव नहीं हुई। तीसरा, अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, जबकि इस अवधारणा के अनुसार एक उपसंयोजक बंध का बनना उदासीनीकरणीय है, जो कि मंद गति से संपन्न होता है। इस अवधारणा के अनुसार अम्लों व क्षारों के सामर्थ्य की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। इस तरह से हम देखते हैं कि लुईस कंसेप्ट जो है एसिड बेस अपन ने पढ़ा, इससे पहले अपन ने लक्स फ्लड कंसेप्ट, इसनोसिस डेफिनेशन भी सारा कर लिया। इस तरह से ये वाला बेसिक पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड बेस का चैप्टर जो है वो अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम पे अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।